ये है Vivo V27। सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पे Vivo V27 का, तो यहाँ पे ये Flipkart की सेल में आ चुका है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि वहां पे उनको वो शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, Vivo V27 मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये आएगा, पर आया है, लेकिन मुझे लगा था इसका जो रेट होगा वो 27 से 28 के जा सकता है, क्योंकि काफी भारी डिस्काउंट होता है फोन पे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि BVD सेल पे Vivo V27 लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं रहने वाला है अगर ये इस प्राइस रेंज पे नहीं आता है। और आप में से काफी सारे लोग लेने का वेट कर रहे थे, काफी महीनों से कर रहे थे, मुझे कमेंट आते रहते थे, मैं सबका कमेंट देखता था, और आप में से काफी ज्यादा लोग इसको परचेस करने की सोच रहे थे BVD सेल में। लेकिन जब उन्होंने वहां पे सर्च किया, उनको Vivo का फोन दिखाई ही नहीं दिया, मतलब कि वहां पे लिस्टेड ही नहीं है। और काफी ज्यादा कमेंट मुझे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या Vivo का फोन जो V27 है ये Flipkart के BVD सेल में नहीं आने वाला है। और मुझे इतने कमेंट आए कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा उनके लिए, और उनके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाले कि क्या ये फोन नहीं आएगा, या फोन अगर आता है तो कितने प्राइस में आने वाला है, क्योंकि ये फोन Vivo V27 Flipkart के सेल में आ चुका है। और अगर मैं बात करूं क्या ये Flipkart BBD सेल में लेना वर्थ होने वाला है, वो भी बात करेंगे। ऑफलाइन में कितने का मिल सकता है वो भी बात करेंगे। सारी बात करने वाले हैं इस Vivo V27 के लिए। काफी सारे लोग Vivo V27 लेने वाले हैं, लेकिन जब Flipkart की सेल देखा तो वहां पे डील काफी ज्यादा खराब मुझे देखने को मिली है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको फोन लेना ही है Vivo V27, आपको लेना है, पसंद है, तो फिर आप यहाँ पे जाकर ऑफलाइन ले सकते हो। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन में आपको 30K में मिल सकता है, अगर आप वहाँ पे कम वगैरह कराओगे तो वहाँ पे मैनेज हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन मैनेज नहीं होता है। वहाँ जो लिस्टेड है वही देना है, उससे ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा। तो आप जानते हो कि आपको कहाँ से लेना है। अगर ये 31K में मिल रहा है तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं हो सकता है। अगर मैं बताऊँ ये कितने में आया है, आप Flipkart पे सर्च करोगे Vivo V27, आपको 33K में ये दिखाएगा। लेकिन क्या चालाकी की इन कंपनी वाले ने, Vivo वालों ने, कि वहां पे इन्होंने किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप लगाते हो किसी भी बैंक का, आपको 2000 का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 33K - 2K, तो वहां पे 31K का ये आपको मिलेगा। तो क्या ये 31K में लेना वर्थ रहने वाला है, मैं अगर बताऊं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको यहां पे अगर ऑफलाइन जाते हो 30K में इजिली मिल जाएगा आपको। और अगर ये 30K से नीचे आता सेल में तो काफी अच्छा डील हो सकता था। बाकी Vivo V27 आया हुआ है Flipkart की सेल पे, लेकिन ये बेस्ट डील लेकर नहीं आया है। अगर ये 30K के नीचे आता है तो बेस्ट वैल्यू फॉर होगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये 30K तक भी नहीं पहुंचेगा, 31 तक ही ये रहेगा। और आपको अगर लेना है तो आप ऑफलाइन में ज्यादा बेटर प्राइस में मिल सकता है। तो अगर Vivo V27 आपको पसंद है लेने वाले हो तो आप कहां से लोगे मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बता सकते हो। और कोई चीज अगर आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई आपको 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर जरूर मिलेगा, हो सकता है तुरंत मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय।